मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आपको मैं ओरिगेमी पेपर से आपको फिश बनाना सिखाऊंगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको पेपर लेना है, ओरिगेमी पेपर लेना है और उसको क्या करना है, आपको ऐसे उल्टा करके उसको फोल्ड करना है बीच से। लेकिन क्या करना है, इस कोने को और इस कोने को छोड़ने के बाद हल्का सा, इस कोने को छोड़ने के बाद हल्का सा यहाँ से आपको फोल्ड करना है इसको, इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, जो ये कोना है इसको यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हुए, ये देखो ये जो रेड कोना है यहाँ वाइट, यहाँ आपको इसको यहाँ तक लाना है, ये जो वाइट दिख रहा है यहाँ तक लाना है, यहाँ से पीछे फोल्ड करते हुए इसको पीछे देखना, यहाँ तक लाना है इस फोल्ड को, है ना, अच्छे से देखना। एक बार वापस बताती हूँ आपको, सबसे पहले आपको पेपर लेना है, फोल्ड करना है इन दोनों कोनों को छोड़कर इसको हल्के से यहाँ से, यहाँ से और इधर से भी यहाँ से, यहाँ और यहाँ दोनों को करके ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, जो ये कोना है इसको आपको यहाँ से पीछे फोल्ड, जो कोना दिख रहा है यहाँ से फोल्ड करना है, पीछे की तरफ ले जाना है, पीछे देखो ये रेड को और वाइट यहाँ इस तरह से आना चाहिए यहाँ पे। फिर अब आप क्या करोगे, ये बन गया फिश का शेप, अब इसके बनाएंगे हम आईज और माउथ। आईज बनाएंगे यहाँ, अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है तो ब्लैक मार्कर यूज लेना है, नहीं तो आपको पेपर से कट करके भी आप इस पर आईज लगा सकते हैं बनाकर। और माउथ बनाना है आपको, रेड वाली फिश, और इसको भी यहां से आप पेस्ट कर दो फेविकोल से। इस तरह से आप इस पे फेविकोल लगा लो, ये आपकी फिश रेडी है ना, जो रेड वाली फिश। इसी तरह से आपको वीडियो को एक बार वापस देखकर ऐसे ही फिश आपको जल्दी से बनाकर फोटो सेंड करनी है, और जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेपर है यहाँ, नेक्स्ट जो पेपर है प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको कलर करना है, ओके, और इसकी भी फोटो आपको जल्दी से सेंड करना है, ओके, ये आपका होमवर्क है, ओके, बाय, गुड डे।